जीटीवी न्यूज। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पहुंची। सपा जिला कार्यालय पर जूही सिंह का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में सपा की बढ़ रही लोकप्रियता से योगी सरकार डर गई है। सपा के क्रांति रथ यात्रा को रोकना इसका परिणाम है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि योगी सरकार ने सपा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रोककर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इस चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। यूपी में महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को बदतर बताते हुए जूही सिंह ने कहा कि इस बार प्रदेश में सपा को 400 से ऊपर सीट मिलेगी। ओबीसी के अखिलेश को अंगूठा छाप वाले बयान पर उन्होंने कहा, ये तो सभी जानते हैं इंजीनियरिंग की है और इस तरह के बेतुके बयान का कोई मतलब नहीं है। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर की क्रांति रथ यात्रा क्यों रोकी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, सबसे पहला प्रश्न ये है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार डर गई है? अभी पूर्वांचल में हमने कदम रखा है तो पहले इसकी बात करें। पहले ये बताएं कि पूर्वांचल एक आयोग का गठन करना था योगी आदित्यनाथ को, वो कहाँ है? पहले ये बताएं कि गोरखपुर की मेट्रो कहाँ है? पहले ये बताएं कि कौन सा बिजली का संयंत्र उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया? समाजवादी पेंशन क्यों रखी, क्यों बंद की? और रानी लक्ष्मीबाई कोष क्यों बंद किया? आशा ज्योति केंद्र जो हमने बनाए थे उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। ITI पॉलिटेक्निक हर जिले में हमने क्रिएट किए थे, वो क्यों बंद पड़े हैं? ये सब बातें इतिहास में योगी आदित्यनाथ बेहतर जानते हैं, वो पढ़ लें। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। अंगूठा छाप है अखिलेश यादव, ऐसा सूत्र ओआईसी ने बयान दिया है, इस पे क्या हु केयर्स? क्योंकि वो अंगूठा छाप नहीं है और वो सच नहीं है, वो एक इंजीनियर हैं और हम इन सब बातों का परवाह नहीं करते हैं। ये जनता के चुनाव का मुद्दा नहीं है। और अगर कल जूही सिंह अंगूठा छाप भी हो जाए और जनता का काम करे तो भी मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। धिक्कार है इस सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, कस्टोडियल डेस्क उत्तर प्रदेश नंबर वन, महिला बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा संवेदनहीनता बढ़ रही है। क्योंकि पुलिस खुद, चाहे आप गोरखपुर में देखें तो व्यापारी की हत्या करती है, हाथरस में देखें तो बच्ची के शव को रात में फूंका जाता है, लखीमपुर खीरी में अधिकारी के प्रेजेंस में महिला की साड़ी खींचती है, लखीमपुर खीरी एक निहायत ही विभत्स कांड। और खुद गृह मंत्री बैठकर कहते हैं मुस्कुराते हुए एक और गृह मंत्री के साथ कि न्याय होगा, तो न्याय तो कहीं हो नहीं रहा है। कासगंज में आप देख लीजिए, सरकार हमेशा हादसे के बाद और गुनाह के बाद वहां जाती है और छोटी मोटी कार्रवाई होती है। बीकरू कांड एक बड़ा कांड उत्तर प्रदेश में, तो लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं है ही नहीं है। हमें लक्ष्य दिया गया है 400 प्लस, जनता चाहती है 400 प्लस। इतना मैं कह सकती हूँ अपने संगठन के साथ कि प्रचंड बहुमत से